आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों रात का समय था। प्रतिदिन की तरह आज भी शुभम अपनी बस लेकर कंडक्टर साहब के साथ नीरजपुर गांव की तरफ रवाना हुआ। दरअसल उनकी बस एक प्राइवेट बस थी। काफी दिन बीमारी झेलने के बाद अब जाकर शुभम की हालत में थोड़ा सुधार देखने को मिला और उसी दौरान वो वापस से अपने काम में लग गया। अपने काम के प्रति उसके अंदर कोई पाप नहीं था। वो अपने काम को संपूर्ण एंजॉयमेंट के साथ ही करता था। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी बदल गई। उस रात बस ड्राइव करते वक्त शुभम का गला सूखने लगा और अपने सूखते हुए गले की वजह से उसे पानी की सख्त आवश्यकता थी। वो उन गांव को पार कर चुका था जिसके अंदर वो अपनी अच्छी खासी जानकारी रखता था। ऊपर से बस के अंदर कोई भी यात्री नहीं था जिससे वो पानी की बोतल मांग सके। और फिर शुभम के मन में ख्याल आया कि अब देर रात हो चुकी है तो उन्हें होटल पर ही खाना खा लेना चाहिए। शुभम अपने कंडक्टर साहब के साथ बस से नीचे उतरा तो उसके पैर पर कुछ जोर से लगा। जब उसने अपने फ़ोन की टॉर्च चलाकर उस चीज़ को देखा तो उसने पाया कि वो कांच के गिलास से भरा हुआ एक डब्बा था। शुभम ने उस कांच से भरे गिलास वाले डब्बे को बस के अंदर रख दिया। तभी उसे ये लगा कि शायद कोई सड़क पर भूल गया होगा। लेकिन ऐसा भी एहसास हो रहा था कि उसके अंदर कोई कांच का गिलास नहीं बल्कि कुछ और ही है। शुभम से रहा नहीं गया और उसने उस डब्बे को अंत तक खोल ही लिया। वस्तुतः उस डिब्बे को खोलते ही उसके अंदर से कुछ बहुत तेज निकला और जिस कारण शुभम के साथ साथ रौनक जो उस बस का कंडक्टर था उसकी भी आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं। और उसके बाद जब शुभम ने अपनी आंखें खोलें तो उसने पाया कि उस डिब्बे के अंदर सफ़ेद सफ़ेद कुछ रखा हुआ था। कुछ ऐसी चीज़ जो आज तक शुभम ने देखी नहीं थी। वैसे तो सड़क पर पड़ी चीज़ों को हमें उठाना नहीं चाहिए। एक तो शुभम बस ड्राइवर था और ऊपर से उसने इस चीज़ को उठाकर एक गुनाह सा कर दिया था। फिर उसने उस डिब्बे को पास में बनी खाई के अंदर फेंक दिया। वो खाई इतनी ज़्यादा गहरी नहीं थी और जैसे वो डब्बा उस खाई के अंदर गिरा तो एक जोर का ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट के साथ ही कुछ बाहर से निकलने लगा। शुभम ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया लेकिन उसके कंडक्टर को बड़ा ही अजीब लग रहा था। रौनक जो उस बस का कंडक्टर था उसने शुभम को यहाँ से निकलने को कहा। लेकिन शुभम आज पहली बार इस होटल पर जाने वाला था जो नई नवेली लग रही थी। लेकिन ताज्जुब तो इस बात का था कि इस इलाके में एक होटल बनने के बावजूद भी उन्हें इस बारे में ज्ञात नहीं था। तभी वो दोनों उस सजी हुई होटल की तरफ चल पड़े। दरवाजे में पहुँचते ही उन्हें एक सर्वेंट दिखा जो शुभम को अपने पीछे पीछे आने का इशारा कर रहा था। दोनों ही उस सर्वेंट के पीछे चल पड़े। शुभम उस सर्वेंट को आवाज देते हुए बोला, हेलो भाई साहब, हमारे लिए एक पिज्जा ऑर्डर कर दीजिए। और इतना कहकर शुभम अपने ही धुन में गाना सुनने लगा। लेकिन दूसरी तरफ रौनक के मन में अजीब ख्याल थे। इतनी बड़ी होटल थी और कस्टमर सिर्फ दो, बड़े ही ताजुब की बात थी। इतने में रौनक का एकदम से पूरा चेहरा उतर गया। उस होटल के अंदर जो सर्वेंट काम कर रहे थे उन सभी के पांव पीछे घूमे हुए थे और इस नज़ारे को देखने के बाद रौनक ने तुरंत ही शुभम की ओर इशारा किया और उन सभी सर्वेंटों के पैरों की तरफ देखने को कहा। जब शुभम ने उस नज़ारे को देखा तो उसका भी दिल दहल गया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि आगे का पूरा रास्ता ही भूतों से श्रापित माना जाता है। वो दोनों वहाँ से निकलने की फिराक में थे लेकिन अगर वो यहाँ से सीधे मुँह निकले तो उन भूतों को उनके ऊपर शक होना एक आम बात है। पहले तो दोनों आपस में बातचीत करते रहे लेकिन किसी तरह बहाने बनाकर यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन यहाँ से निकलने का आसानी से कोई भी रास्ता भी नहीं मिल पाया। इतने में हल्की हल्की बूंदाबांदी आरंभ हो गई और मौके का फायदा उठाते हुए शुभम और रौनक दोनों भागते हुए बस के अंदर चढ़ गए। वो सर्वेंट लगातार उनकी तरफ ही देखते रहे और वो दोनों अपनी बस में चढ़ते ही उन्हें जल्दबाजी होने लगी कि वहाँ से वो निकल जाएं। लेकिन इसी बीच उन्हें अपने पीछे से आवाज़ आई, अरे साहब जी, खाना तो कंप्लीट करिए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी सांसें थमने लगी। उनके पीछे एक सर्वेंट खड़ा था जिसके हाथ में एक नाश्ते की एक थाली भी थी। वो उसे लेकर बस की सीट पर रख देता है और उस थाली के अंदर एक पिज्ज़ा था। पिज्ज़ा देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था लेकिन दूसरी तरफ उनके मन में यह भी था कि भूत प्रेत के द्वारा दी गई कोई भी चीज़ मौत से कम नहीं होती।
तभी रौनक उस सर्वेंट के ऊपर भड़कते बोला, हमें ये पिज़्ज़ा नहीं चाहिए, अब हमें अपने घर जाना है। इतना बोलते ही उस सर्वेंट ने अपने गुस्से भरे चेहरे से रौनक की तरफ देखना शुरू कर दिया। उस समय रौनक भी आग बबूला हो चुका था, तो उसने उस सर्वेंट को हल्का सा धक्का मार दिया, लेकिन धक्का मारने के बावजूद भी वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। लेकिन बाद में उस सर्वेंट ने एक ही बार से रौनक को चित कर दिया। जैसे ही उसने रौनक को धक्का मारा तो वो सामने वाले कांच से जोर से टकरा गया। जैसे ही रौनक उस कांच से टकराया तो उसके सर से खून बहने लगा, और उसी दौरान बस के अंदर कुछ यात्रियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो की पूरी बस यात्रियों से भर गई हो। बस के अंदर मस्त हुई इस अफरा तफरी को देखकर जब शुभम पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि भूतों से भरी पूरी की पूरी बस बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। पूरी की पूरी बस में कुछ लोग बैठे हुए थे, जिनमें से किसी की आंख फटी हुई थी तो किसी के मुंह से खून बह रहा था। साथ ही ये सब इतना खौफनाक था कि शुभम भी पूरा कांप उठा। अपने दहलते हुए दिल के साथ शुभम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अब उसका दोस्त या फिर यूँ कहें कि उसका कंडक्टर तो बेहोश होकर नीचे बस में पड़ा था। काफ़ी देर तक सब कुछ एकदम भय में डूब गया, लेकिन उसके बाद जब रौनक को यह एहसास हुआ कि अब यहाँ से निकलने का सही वक्त है, तो उसने जल्दी से अपने आप को संभाला और शुभम के साथ साथ दरवाज़ा खोलकर वो नीचे कूद गया। नीचे कूदने के बाद उसे शुभम भागते हुए दिखा, जो उस हाईवे पर दौड़ रहा था। रौनक भी उसके पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन बस के अंदर तो अब कोई भी नहीं था। सारी की सारी आत्माएं गायब हो चुकी थी, फिर भागने का कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन बावजूद इसके भी वो हाईवे पर दौड़ते रहे। वो अपने हाँपते हुए शरीर के साथ काफ़ी दूर आ चुके थे। शुभम एक पेड़ के नीचे बैठकर रौनक का इंतज़ार करने लगा। जब दोनों एक जगह पर मिले तब जाकर उन्हें चैन की सांस मिली। शुभम किसी पत्थर की मूर्ति की तरह उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। रौनक ने जैसे उसके कंधे पर अपना हाथ रखा तो उसके शरीर के अंदर एकदम से सनसनी सी मचने लगी। असल में उसके सामने बैठा ये शख्स शुभम नहीं था, बल्कि कोई शैतान था जिसकी चमड़ी एकदम गंदी और बदबू मार रही थी। उसी वक्त रौनक को पीछे से आवाज़ आई, वहाँ मत बैठ, वो तुझे मार देगा। और जब रौनक पीछे मुड़ा तो पसीने से लथपथ और डर से भी डरा हुआ शुभम तो उसके पीछे था। फिर उसके सामने बैठा ये शख्स कौन था? जब उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई तब जाकर रौनक को एहसास हुआ कि उसके सामने शुभम नहीं बल्कि उसकी मौत बैठी है। ये तो वही सर्वेंट था जिसके चेहरे पर टांके लगे हुए थे और काला काला बदन जोरों से सड़ रहा था। अपने चेहरे से गंदी से स्माइल देते हुए उसने झटके से रौनक की गर्दन पकड़ ली और उसे घसीटने लगा। रौनक जोर जोर से चिल्लाए चीखा, लेकिन उसकी मदद करने कोई नहीं आया। और इस बात से ये साफ हो रहा था कि इस इलाके में चारों तरफ किसी भी इंसान का वास नहीं है। अपने आप को छुड़ाने के लिए रौनक ने अहम भूमिका निभाई और किसी तरह अपने आप को बचाने में सफल हुआ। और सबसे पहले अपनी रक्षा करते हुए वो वहाँ से भागने लगा। अपने आप को छुड़ा पाने में तो वो सक्षम था, लेकिन जब उसे अपने पीछे भूतों की एक टोली आती हुई दिखी तब उसकी सांसें उखड़ने लगी। और अब उसको ये यकीन हो रहा था कि असल में इस दुनिया में भूतों का अस्तित्व होता है। तभी दूसरी तरफ शुभम भी पूरी तरह बेचैन था। बीच रास्ते में पड़ा शुभम भी दर्द से कराह रहा था। दरअसल शुभम पर भी किसी बुरी शक्ति ने वार किया था जो इस समय अदृश्य थी। सही समय पर रौनक ने उसे भी संभाल लिया। शुभम सही सलामत तो बच गया, लेकिन बस के अंदर जाना मुसीबत मोल लेने से कम नहीं था। अब उन्हें कोई ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां वो अपने आप को सही सलामत रख सके। एक बात भी सत्य है, जहां बुराई का कहर सर चढ़कर बोलता है तो अच्छाई का निशान वहां अवश्य ही मिल जाता है। कोई ऐसी शक्ति जो अपनी दिव्य शक्तियों से बुरी ताकतों पर कहर ढा सके। शुभम को याद आया कि आते समय उसे एक पीपल का पेड़ दिखा था जिसके चारों तरफ धागे बंधे हुए थे, और अवश्य वो एक तंत्र मंत्र से भरपूर पेड़ था, या फिर यूँ कहें कि वहाँ किसी भगवान की पूजा की जाती थी। तभी शुभम ने रौनक को अपने पीछे आने को कहा और दोनों दोस्त हाथ जोड़ते हुए उस पीपल के पेड़ के पास पहुँच गए। सही से देखने पर उन्हें पता चला कि वहाँ किसी भगवान की मूर्ति रखी हुई थी और दीपक चल रहा था, और उन्हें भी एहसास हुआ कि इससे शांति प्रिय जगह उन्हें नहीं मिलेगी। उन्होंने तुरंत ही वहीं पर बैठने का फैसला किया। फिर उन्हें अपने बस के ऊपर भूतों का एक भी झुंड नजर नहीं आया।
जो देखने में बड़ा ही खौफनाक और डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उस होटल का पूरा स्टाफ उस बस के ऊपर आ चुका है। अपनी समस्त कोशिशों के बावजूद भी वो भूतों का झुंड शुभम और रौनक के पास नहीं पहुंच पाया और आखिर में वो दोनों उस होटल के दानवों से अपनी जान बचाकर निकल ही गए। दोस्तों, उस रात उन दोनों ने कुछ ऐसी भयानक ताकत से सामना किया जो उनके दिल में आज भी गदर मचाती हैं। बाद में उन्हें पता चला कि सालों पहले उस होटल के अंदर आग लग गई थी और उस आग के दौरान पूरा होटल जलकर राख हो गया। उस दिन के बाद सारे के सारे सर्वेंट मैनेजर की आत्मा के साथ भटकती हैं जो उस होटल में काम करते थे। जो भी लोग रात में उस होटल के अंदर जाने की हिम्मत करते हैं तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते और कुछ लोग अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।